हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम AA क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हम अपने फिजिकल फीचर्स में दो पढ़ चुके हैं, एक हिमालयन और दूसरा वाला हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। हम थर्ड अपना फीचर पढ़ रहे हैं जो कि है प्लेट्यू, जिसमें हमारे दो डिवीज़न थे, छोटा नागपुर प्लेट्यू और डक्कन प्लेट्यू। ठीक है, जिसमें से हम छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ चुके हैं, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डक्कन प्लेट्यू। जो डक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ से फैलना शुरू होता है? नर्मदा रिवर के साउथ से, दक्षिण से। ये बहरियामय नर्मदा रिवर, इसके नीचे का जो हमारा पठारी एरिया है वो सारा का सारा इसमें आता है, हमारा डक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, वाइल द महादेव कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस। जो यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से लेकर यहाँ पे जो आ जाते हैं हमारे कैमूर हिल्स, मैकाली हिल्स, इन सबको मिला के हमारे सारा का सारा पठार का हिस्सा है, प्लेटू का हिस्सा है ये सारा हमारा। डक्कन प्लेट्यू इज हाई इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। अब इसका कहने का मतलब क्या है? दक्षिण का पठार जो पश्चिम में ऊंचा है, मतलब ये हमारा इंडिया है, ठीक है, साउथ इंडिया है, ये गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र मान लूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा था कि यहाँ नॉर्थ आता है, यहाँ आता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा वेस्ट और इधर होता है ईस्ट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि वेस्ट यानी कि इस तरह किनारे से ये थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से झुका हुआ है। इसको हम ऐसे 3D हम ऐसे कर सकते हैं, देखो जैसे इधर से तो इस टाइप से उठा हुआ है और यहाँ से ऐसे नीचे को जा रहा है। हम ढाल पे चढ़ने का एक और तरीका कर सकते हैं कि आप देखना साउथ में जो हमारी ज़्यादातर नदियाँ हैं वो सारी की सारी यहाँ से निकलती हैं, यहाँ के पहाड़ियों से, वेस्ट से, ठीक है, और बहते हुए कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। यहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि अरेबियन सी में गिरते, नहीं तो 90% हमारी जो नदियाँ हैं, अप्रोक्स 90% जो हमारी नदियाँ हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ढलान इस हिसाब से है, इनका ढलान ऐसा है कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ को जाती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा पठार जो है पश्चिम की साइड से थोड़ा ऊँटा हुआ है और ईस्ट की साइड में नीचे ढलान को जा रहा है। ठीक है, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय तौर पर मेघालय, कार्बी एंग्लो और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये एक फॉल्ट से छोटा नागपुर से अलग हो गया था। थ्री परमानेंट हिल्स रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो खासी एंड द जयंतिया। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो खासी और जयंतिया हैं। अब ये क्या है? भ्रंश के द्वारा, यानी कि जो फॉल्ट है इसका मतलब क्या है? क्या हुआ था, मैंने आपको स्टार्टिंग इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपने आपको बताया था कि हमारे इंडिया कैसे बना। ठीक है, जो आज अब हमारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज है, जो उसकी स्थिति है, वो कैसे बनी, ये सब कुछ हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो क्या हुआ था, जब भी इंडिया अफ्रीका से टूट कर उस लैंडमार्क से टूट कर खिसकते हुए यहाँ पर आ रहा था एशिया से मिलने के लिए, तो क्या हुआ था, यहाँ पर जगह जगह ज्वालामुखी हो रहे थे। यहाँ तो ज्वालामुखी जो जम गए वो पठार बन गए। अब क्या था, ये जो पठारी एरिया है वो हमारा सबसे पुराना एरिया था, और जो ऊपर का मैदान और हिमालय वाला जो एरिया है वो बाद में बना है। तो जब ये पठार यहाँ से खिसकते हुए जा रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसा गड्ढा बन गया, बाकी पठार छोटा नागपुर का यहाँ रह गया और बाकी पठार जो हमारे मेघालय, कार्बी एंग्लो, शिलोंग, ये सब एरिया में देखने को मिलता है, ये इसी ही पठार का हिस्सा है। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा गड्ढा आ गया, जब ये प्लेट खिसक रही थी तो यहाँ तो गड्ढा हो गया, यहाँ की प्लेट नीचे धस गई और ये दो आपस की उठी रह गए। इस जगह को बाद में नदियों द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स थे,
जो कंकड़ पत्थर मिट्टी थी वो उससे भर दिया गया और यहाँ पे एक जो गड्ढा था ये भर गया, तो ये प्लेन बन गया। ठीक है, नहीं तो छोटा नागपुर और ये यहाँ पे जो हमारा मेघालय वाला एरिया है वो सारा एक ही एरिया है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे क्या आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट और यहाँ क्या होते हैं ईस्टर्न घाट। घाट क्या होते हैं, घाट यानी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे पहाड़ हैं इकट्ठे। ठीक है, जो पहाड़ हैं ये सारे के सारे पहाड़ पठार की बाउंड्री बनाते हैं। हम ये कर सकते हैं कि पठार की जो बाउंड्री कौन बनाता है, हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, हम इसे घाट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं हमारी। वेस्टर्न घाट्स घाट्स लाई पैलर टू द वेस्टर्न कोस्ट। जो यहाँ पे हमारे जो घाट हैं और यहाँ पे किनारा आ जाता है हमारा, यहाँ पे समुद्र आ जाता है, तो उसके पैलर में है ऐसी ईस्टर्न जो है ईस्ट घाट ईस्ट किराने किनारों के पैलर है। लेकिन वेस्टर्न क्या है हमारे, टूटे हुए नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे पहाड़ियाँ ऐसे बनी हुई हैं। ठीक है, अगर हमें इन्हें पार करना है तो हमें इन्हें पार करने के लिए दर्रे हैं, दर्रों से ही पार किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारे ईस्टर्न हैं वो कैसे हैं, वो टूटे हुए हैं, जैसे यहाँ आ गए फिर यहाँ पे पहाड़ियाँ आ गई फिर यहाँ पे आ गई, तो ये टूटे हुए हैं, यहीं से गुजरते हुए नदियाँ भी बहती हैं। ठीक है, पश्चिम घाट पश्चिमी तट के समानता स्थित है, वे सतह तथा उन्हें केवल दर्रे द्वारा ही पार किया जा सकता है। उन्हें कैसे क्रॉस किया जा सकता है, ओनली पासिस से। ठीक है, ये मैंने आपको पासिस क्या होते हैं क्या नहीं होते ये सब कुछ मैंने इसकी कल एक वीडियो बना रखी है और उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट पासिस मार्क भी करा रखे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के हमारे थाल घाट भोर घाट और एक पाल घाट। ठीक है, ये घाट हमारे पास ही हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न पे घाट्स हैं वो ज़्यादा ऊँचे हैं, ईस्टर्न के कम ऊँचे हैं। ठीक, इधर की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी, हमारी अन्नामुड़ाई, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो चाहिए 900 से 1600 मीटर और जबकि जो ईस्टर्न घाट्स की हैं वो सिर्फ 600 मीटर है एवरेज ऊंचाई। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि वेस्ट वाले ज़्यादा ऊंचे हैं और ईस्ट वाले कम ऊंचे हैं। ठीक है, इस टाइप से इनका है 900 से 1600 और ये ऊंचे हैं 600। महानदी वैली से निर्गृह इन द साउथ। ईस्टर्न घाट्स कहाँ से फैले हुए हैं, जो ऊपर हमारा महानदी आती है, महानदी वैली से कहाँ से फैले हुए हैं, ये निर्गृह तक, ये यहाँ तक। ठीक है, निर्गृह यहाँ साउथ में तमिलनाडु में आता है। ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस, मैंने आपको बताया है ये ऐसे टूटे हुए हैं और ये इरेगुलर हैं। डाइसेक्टेड बाई रिवर्स ड्रेन इन टू द बे ऑफ बंगाल, मैंने आपको बताया ये सब बातें कि यहाँ से नदियाँ बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। अगर ये यहाँ पे टूटी हुई ना हो तो क्या होगा, पानी नदियों का पानी कहाँ जाएगा, यहीं जमा होता रहेगा। इसलिए ये कहीं ना ये इन्होंने नदियों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपने लिए जगह बना रखी है ताकि पानी यहाँ से बह जाता है। द वेस्टर्न घाट कॉज ऑरोग्राफी रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पर्वतीय वर्षा, ऑरोग्राफिक रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा। ये यहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है, यहाँ से बादल बने, बादल यहाँ से टकराए पहाड़ से, तो क्या हुआ, बारिश हुई। अब सारी की सारी बारिश इसी ही एरिया में हो गई, यहाँ नहीं हुई। ठीक है, यहाँ नहीं हुई है, तो इसलिए हम किसको क्या कहते हैं, रेन शेडो एरिया, वर्षा छाया क्षेत्र, रेन शेडो एरिया, वर्षा छाया क्षेत्र।
ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया। ज़्यादातर पर्वतीय स्थानों पे यही होता है कि पर्वतों के एक साइड में बारिश हो जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है हमारी वेस्टर्न घाट की इस साइड होती है, ठीक है, लेकिन जैसे और एरिया हैं इधर नहीं होती है। ये रहा हमारा गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, और यहीं पे हमारा क्या बनता है, कार्बो एंग्लो प्लेट्यू, जो यहाँ पे गैप है इसको बोलते हैं हम गारो राजमहल गैप, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये मैंने आपको बताया कि सबसे जो हमारी ऊंची पहाड़ी वो अन्नाई मुड़ाई यहाँ है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारे पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो नॉर्थ से साउथ तक बढ़ती है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ में कम रहेंगी उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ ज़्यादा होगी, ठीक है। जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाई मुड़ी, उसके बाद सेकंड नंबर में आता है डोडा बेटा। देखो अन्नाई मुड़ाई यहाँ है, उसके नीचे ही है डोडा बेटा, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। महेंद्रगिरी पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची शिखर है। शिवराय हिल्स एंड द जावेरी हिल्स आर लोकेटेड द साउथ ईस्ट टू द ईस्टर्न घाट्स, ये यहाँ पे है, ठीक है, शिवराय हिल्स और जावेरी हिल्स। जो सबसे फेमस ऊटी है हमारा हिल स्टेशन, ये सबने ही नाम सुना होगा ऊटी, उसका पूरा नाम क्या है, ये है उगमंडलम, क्या है, उगमंडलम। पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो मिट्टी होती है वो ब्लैक होती है, जिस वजह से इस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्कन ट्रैप। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम एको नाम से जाने जाते हैं, डक्कन ट्रैप के नाम से। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब पेनिनसुलर प्रायद्वीप पठार। हम इसे प्रायद्वीप पठार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एरिया में जो हमारे प्रायद्वीप भारत वाला एरिया है। अभी काली मिट्टी क्यों है, मैंने आपको बताया था जब हमारे इंडिया अपने जो पुराने वाले हिस्से से खिसकते हुए एशिया की तरफ जब वो बढ़ रही थी तो यहाँ पे पहले बहुत सारे वोल्केनोस थे, ठीक है, वो फट रहे थे, ठीक है। जब सिंपल सी बात, जब प्लेट खिसक रही है तो नीचे से उसमें मूवमेंट्स होती थी, मूवमेंट्स की वजह से वोल्केनिक फट जाते थे और यहाँ पर लावा इकट्ठा हो जाता होता रहता था। तो जो लावा इकट्ठा होता रहता था वो काला लावा निकलता है, वो काला लावा निकलता है, तो इसी वजह से यहाँ की मिट्टी काली है और एक पठार का उसने रूप ले लिया, धीरे धीरे उसे एक पठार बन गया वो। इसलिए यहाँ पे हम पठार और काली मिट्टी का रूप देखते हैं। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजन, इसी वजह से यहाँ के रॉक क्या इग्नियस हैं, रॉक्स हैव ड्यूरेटेड ओवर टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लावा फटा तो यहाँ पे इसके साथ साथ मैग्मा निकला, ये यहाँ पे जमता रहा और जम गया तो उसका किसके रूप हो गया, इग्नियस रॉक का, आग्नेय शैल का। और जब ये शैल धीरे धीरे पत्थर टूटते रहे तो ये मिट्टी बन गए। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स एंड फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी किनारे पर है। पश्चिमी मतलब यहाँ पे हमारा पठार है, तो पठार का जो पश्चिमी एरिया है वहाँ पे हमारे अरावली हिल्स हैं। ये देखो, ये है हमारे अरावली हिल्स जो राजस्थान से होते हुए हमारे दिल्ली तक आती हैं। अरावली हिल्स बहुत अधिक अप्रदित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। खंडित मतलब टूटी फूटी, भी इतनी पुरानी पहाड़ियाँ हैं कि इरोज हो चुकी है, उसके ऊपर की जो लेयर है पहाड़ियाँ ऐसे ख़त्म ख़त्म होते होते बहुत हल्की हल्की पहाड़ियाँ रह गई हैं अभी, ठीक है। और इनका जो फैलाव है, जो फैली हुई है, वो कहाँ से, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, ठीक है, इनका गुजरात से दिल्ली तक ही फैली हुई हैं।
दिल्ली में तो अब हल्की फुल्की सी रह गई, जैसे हमारा इंडिया गेट से पार्लियामेंट जो हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि एकदम ऐसे यहाँ पे खड़े होंगे तभी हमें सामने का दिखेगा, नहीं तो पूरा नहीं दिखता है। तो ये सारे हमारे अरावली हिल्स पे ही बने हुए हैं। अब हम नारा नेक्स्ट जो फीचर है वो है हमारा डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, ठीक है, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।